पारिवारिक कार्यक्रम है। पिछले 40-45 वर्षों से इस परिवार से मेरा पानी से संबंध है। उनका कार्यक्रम का आग्रह था, इसलिए मैं आया। कुल मिलाकर के जो कल दुखद घटना घटी है जशोर में, सबसे पहले तो मैं उनकी आत्मा को मिलते हैं। मुझे प्रार्थना करता हूँ परिवार को दुख सहन की क्षमता करें। लेकिन एक बात जरूर आपके माध्यम से कहूँगा, इस समय जो मौसम चल रहा है, तेज हवा, तेज आंधी के साथ साथ बारिश भी होती है, और स्वाभाविक रूप से जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उमस की वजह से बिजली का भी ज़्यादा जब लग रहा, पंखे लगना, मुझे लगता है मैक्सिमम कैजुअलिटी जो हुई है वो पानी में वायर लीकेज होने की वजह से हुई है। मैं सरकार से भी चाहूँगा, प्रशासन से भी चाहूँगा, ऐसे जहाँ कहीं में भी कार्यक्रम हो तो कम से कम आज कल जो घटना घटी उससे सीख लेकर के निश्चित रूप से जो भी आयोजक है कठोरतापूर्वक आयोजकों को कह के इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने पहली लोकसभा में पहले दिन ही ट्रिपल तलाक के लिए जो बिल पेश किया है, पिछली बार भी विपक्षों की समझ में नहीं आई, इस बार विपक्ष ने चाहा था कि मतदान हो, हमने मतदान चाहा, पूरी तरह से हार हुई है। और मैं चाहूँगा विपक्ष भी कि महिलाओं के रक्षा के लिए ट्रिपल तलाक का समर्थन करें। पांच कांग्रेस शासित राज्य, देखिए ये हम कोई जीत का प्रयास चुनाव देख के नहीं करते। पिछली लोकसभा चुनाव के बाद ही 14 की 130 ऐसी लोकसभाएं थी जहां हमें ठीक प्रकार से मतदान नहीं हुआ, तो पहले दिन से ही हमारे जैसे सीनियर लोग उन 130 लोकसभाओं को टारगेट किया, और इसलिए हम पिछले 2 साल से बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हम पिछले 14 से भी ज़्यादा सीटें जीत करके आने वाले हैं। और जनता में आज़ादी के बाद पहली बार एक मोदी जी के प्रति भरोसा हुआ। 130 करोड़ जनता में से मैं कह सकता हूं कि 70 से 80 करोड़ लोगों को सीधा सीधा मोदी जी की कोई ना कोई योजना से लाभ हुआ है। और निश्चित रूप से जनता चाहती है कि मोदी जी हमारे यहाँ लंबे समय रहे। और ये मेरा मानना, जैसे हमने कहा था कि हम कोई 5 साल के लिए नहीं आए, हम 50 साल के लिए आए। और जनता का जिस प्रकार से दोबारा भरोसा मिला है, सब प्रकार के गणित फेल हो गए, सब प्रकार के चुनावी विश्लेषण हो गए, जनता और मीडिया चुनावी केमिस्ट्री नहीं समझ पाए। जो हम चुनाव के दिनों में करते हैं उसी का परिणाम है कि आज मोदी के प्रति भरोसा हुआ। और कल परसों ही दुनिया ने छापी है कि मोदी रैंकिंग में पुतिन और ट्रंप को भी पीछे छोड़ करके नंबर 1 हो गए। मुझे लगता है आपने एक शब्द पकड़ा है आप लोगों ने, अगर पिछले 5 सालों में जितना रोजगार दिया हुआ और जितनी योजना है उन सब में आप कल्पना कर सकते हो कि 15 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटर के मिला, वो संख्या आप गिनते नहीं है। जनधन योजना का जीरो बैलेंस में जो खाते खुले वो संख्या आप गिनते नहीं है। जिस प्रकार से रोजगार दिए और जो गारंटी दी है, आज किसान को जो 6,000 रुपये देने वाले मजाक उड़ेंगे, लेकिन आज किसान जिसको 100 रुपये में मुश्किल होते हैं उसके सीधे खाते में जा रहा पैसा, बैंक अधिकारी फोन कर रहा किसान को कि आपके खाते में 2 किस्तें आ गई, 1 किस्त आ गई, तो ये जो देश में एक परिवर्तन हो रहा, निश्चित रूप से इन 5 सालों में आपको और आगे जाना होगा।